हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बारे में, जल इक्विपमेंट सेक्टर में अभी काम कर रहे हैं हम। फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कंपनी लेकर आने वाले हैं, तो अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब बात करते हैं कंपनी प्राइस समरी के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी का टू डेज हाई वर्सेस टू डेज लो एंड 52 वीक हाई वर्सेस 52 वीक लो दिया गया है, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों कंपनी को रेटिंग भी अच्छा खासा मिल रहा है, कंपनी को 4-स्टार रेटिंग मिला है जो कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब बात करते हैं कंपनी एसेंशियल्स के बारे में। तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, एंटरप्राइज वैल्यू एंड नंबर ऑफ शेयर्स भी आप देख सकते हो। यहाँ पे मुझे जो एट्रेक्टिव लगा वो है कंपनी का पी एंड पी बी रेशियो। तो यहाँ पे कंपनी पी एंड पी बी रेशियो कम है, तो उसका मतलब ये है कि कंपनी का शेयर अभी अंडर वैल्यूड है, तो कंपनी फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाली है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी का पॉजिटिव बात ये है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी दे रही है। यहाँ पे दोस्तों कंपनी के ऊपर कुछ भी कर्जा नहीं है, लेकिन उसके सामने कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो ऑलरेडी 5000 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे कंपनी के पास प्रमोटर होल्डिंग वो भी अच्छा खासा है, 50% से ज़्यादा है। यहाँ पे कंपनी का ईपीएस, सेल्स ग्रोथ, आरओई, आरओसी एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखते हुए मुझे तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी लगी। आपको ये कंपनी कैसी लगी है आप कॉमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हो। अगर आपको भी ये कंपनी अच्छी लगे है तो आप भी इस कंपनी के ऊपर रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के शेयर ले सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी एनुअल रिटर्न के बारे में। तो कंपनी ने 120% जितना एनुअल रिटर्न अपने शेयर होल्डर को दिया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। हम फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कंपनी लेकर आने वाले हैं, तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी भी आपको कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो।